मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एम डी एन स्कूल क्लाय जैसा कि बच्चों आप जानते हैं लास्ट की वीडियो में हमने जो पब्लिक एड का फोर्थ चैप्टर है संघीय कार्यपालिका जिसमें मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में हमने जाना उसे कंप्लीट कर लिया और उसके साथ साथ मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भी लिखने के लिए और याद करने के लिए दिए मुझे आशा है कि आपने वो लिखे भी होंगे और याद भी किए होंगे तो अब हम क्या करते हैं इसके कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन वो मैं आपको करवाती हूँ देखिए कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है जैसा कि मैंने जब आपको चैप्टर रीड करवाया क्वेश्चन आप दे सकते हैं ठीक है आपके पास बीस सेकेंड है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी तो देखिए बच्चों भारत में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री तथा तो मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य हैं और राष्ट्रपति क्या है कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष है तो वास्तविक कार्यपालिका कौन है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ठीक है दूसरा क्वेश्चन हमारा है देखिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन और कैसे करता है मैंने आपको करवाया भी था ये क्वेश्चन दिया भी था याद करने के लिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है साधारणतः क्या करता है राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुसंख्यक दल अथवा दलीय गठबंधन का नेता होता है भी जो बहुमत द्वारा मतलब कि जो चुनकर आता है जहाँ जिस दल का बहुमत होता है उस दल के नेता को वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति क्या करता है बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है उसके बाद मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है उसके बाद मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं ये मैंने आपको उस दिन भी करवाया था मंत्री परिषद में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं बच्चों पहला कैबिनेट मिनिस्टर्स मंत्रिमंडलीय मंत्री दूसरा राज्य मंत्री जो स्टेट लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं और तीसरा होता है उपमंत्री यानी कि डिप्टी मिनिस्टर्स या फिर जो स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्री होते हैं इसमें मैं आपको ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है इनके बारे में करवाऊंगी बाद में ठीक है कि जो वर्तमान में हमारी मंत्री परिषद है उसके आ, मतलब कि कौन कौन से उनके नाम क्या क्या और उनको क्या का कौन सा कार्यभार सौंपा गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी के लिए आप कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में दो अंतर बताइए पहला कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक भाग है बताया था मैंने आपको तब भी मंत्रिपरिषद में क्या होता है बड़ी संस्था है सभी मंत्री होते हैं जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन मंत्रिमंडल के दो कार्य लिखो इसमें फर्स्ट है मंत्रिमंडल के कार्य लिखने देखिए बच्चों किए भी थे हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था कि मंत्रिमंडल एक तो देश का प्रशासन चलाता है और दूसरा देश की आर्थिक ग्रह एवं विदेश नीति कौन तय करता है ये मंत्रिमंडल ही तय करता है उसके बाद भारतीय मंत्रिमंडलीय प्रणाली की दो विशेषताएं बताइए हमने पढ़ा था ये भी टॉपिक भारतीय जो मंत्रिमंडल है उसकी विशेषता है। क्या है देखिए सबसे पहले तो यही है कि जो भारतीय मंत्रिमंडल है उसमें क्या है जो राष्ट्रपति है उसे नाम मात्र का संवैधानिक अध्यक्ष बनाया गया है और वास्तविक शक्तियाँ किसके पास है प्रधानमंत्री के हाथों में ये विशेषता हुई ना दूसरा मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है तो ये हो गई इसकी दो विशेषता एक एक नंबर के क्वेश्चन है बच्चों ये अति लघुतरात्मक प्रश्न में आपको करवा रही हूँ ध्यान से सुनिएगा और आपको ये याद भी करने प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के नेता के रूप में दो कार्य लिखें भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है दूसरा प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है ये भी हमने टॉपिक किया हुआ है जो प्रधानमंत्री है उसके कार्य क्या थे एक तो वो क्या करता है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और दूसरा वो विभागों का बंटवारा करता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है मैंने बताया भी था कि प्रधानमंत्री का वैसे तो हम देखते हैं कि हर पाँच साल बाद चुनाव होते हैं ठीक एम है? एमपी के जो होते हैं उसमें क्या हुआ कि पांच साल का हो गया जो कार्यकाल है लेकिन जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है बच्चों वो निश्चित नहीं होता ठीक है वह उतने समय तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसके दल को लोकसभा में बहुमत का समर्थन भी तब तक ही रहेगा जब तक लोकसभा में उनका बहुमत है बहुमत का अगर वो समर्थन खो देता है तो उसे अपना त्याग पत्र देना पड़ता है आगे प्रधान मंत्री के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या योग्यताएं निश्चित की गई हैं देखिए कि प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए एक तो संसद के किसी भी सदस्य का सॉरी सदन का सदस्य होना आवश्यक है या तो वो लोकसभा का ही हो कि कहीं से सांसद बन के आया हो या फिर वो राज्यसभा का हो विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए छः महीने का उसके पास क्या होता है टाइम होता है बच्चों सिक्स मंथ्स का उसे संसद का सदस्य बनना पड़ता है अगर वो ऐसा नहीं करता तो उस उसे उसके पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा उसके बाद वही दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है प्रधानमंत्री के कोई दो कार्य बताइए मंत्रिपरिषद का निर्माण करना और मंत्रियों में विभागों का विभाजन करना मंत्रिपरिषद के संख्या कितनी होती है मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या संविधान द्वारा कोई सदस्य संख्या निश्चित नहीं की गई है ठीक है व्यवहार में प्राय परिषद के सदस्यों की संख्या पचास से सत्तर के बीच होती है मतलब कि जो तीनों स्तर के मंत्री वो आपको बताए थे भी टोटल कितने होते हैं जो ये वो बता रहे हैं आपको मंत्री परिषद के सदस्य कितने समय तक अपने पद पर बने रहते हैं मंत्रिपरिषद कब तक रहेगी जब तक प्रधानमंत्री है उस समय तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त रहता है प्रधानमंत्री जब चाहे उसे लगे कि कोई मंत्री सही ढंग से काम नहीं करा तो उसे त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसके पास शक्ति है कि वो राष्ट्रपति को कहकर उसे पद से हटवा सकता है प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों का वेतन कितना निश्चित किया गया है संविधान द्वारा कोई वेतन निश्चित नहीं किया गया उनके वेतन समय समय पर संसद द्वारा निश्चित किए जाते हैं विभिन्न क्या पारित करके बिल पारित करके ठीक है उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है पहले भी आपको बताया था दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है प्रधानमंत्री क्या करता है विभागों का बंटवारा करता है और जब चाहे उसमें फेरबदल भी कर सकता है किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होने के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था श्री पी वी नरसिम्हा राव ठीक है मंत्रिमंडल के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है हमारे देश का प्रधानमंत्री करता है मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास है बच्चों राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का काम कौन करता है देश का प्रधानमंत्री है मैंने आपको बताया भी था भी प्रधानमंत्री क्या है जो प्रशासन है उसकी जो उसके इर्द गिर्द ही घूमता है कि प्रधानमंत्री वह धूरी है जिसके इर्द गिर्द सारा प्रशासन घूम रहा है ठीक है बच्चों तो आप क्या करेंगे ये जो मैंने आपको बीस क्वेश्चन बताए हैं शॉर्ट क्वेश्चन इनको लर्न करेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स